सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड आई होप। सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। गाइस, ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त जितनी खुशी मेरे चेहरे पे है ना, इतना खुश मैं पिछले कुछ टाइम में कभी भी नहीं हुआ हूँ, क्योंकि आज मेरा कॉस्टिंग का पेपर बहुत मक्खन गया है। अमित भाई, कॉस्टिंग का पेपर आपका, आप भी दे रहे थे क्या? अरे, मेरे जितने बड़ी पेपर दे रहे थे वो नहीं, मेरे को लग रहा था मैं पेपर दे रहा हूँ। एंड यकीन मानो, जब वो बाहर निकल के आए, उनके अभी कॉल्स आए, उनके अभी मैसेज आए, गाइस इतना खुश मैं अपने पेपर के टाइम पे भी नहीं हुआ था। अभी हम सबसे पहले सीए इंटर कॉस्टिंग मई 24 का पेपर का रिव्यू करने वाले हैं, जो आज हुआ है। ओके अमित भाई, बता दो ना पेपर क्या कैसा रहा था। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पेपर आप लोगों का इजी सिंपल इजी आया हुआ था। कुछ लोगों के लिए ये हल्का सा एवरेज पेपर बोला जा सकता है, क्योंकि हमारे पास MCQs थोड़े से ट्रिकी आए थे। पर अगर बाकी चैप्टर की बात करूं, बाकी आपके 70 मार्क्स के पेपर की बात करूं, तो वो इजी आया था। प्लस पूरा का पूरा पेपर मेरी, हाँ जी अमित भाई, मेरी मेरी कलरफुल क्वेश्चन बैंक में से और इंपॉर्टेंट लिस्ट में से आया था। अमित भाई, आपकी, देखो मैं अपनी क्वेश्चन बैंक तो कुछ बनाता नहीं, मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस ईयर RTP MTP को जोड़ देता हूँ, और मुझे जो जो पेपर इंपॉर्टेंट लगते हैं वो बता देता हूँ कि बाबा ये आने के चांसेस है, और पेपर वहां से आया 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 आया। मैं आपको हर एक चीज दिखाने चाहता हूं कि बाबा कौन सा पेपर, कौन सा क्वेश्चन कहां से आया था, कैसे आया था। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, ये क्वेश्चन है लेबर कॉस्टिंग का, और हमारे पास क्वांटिटी डिस्काउंट का क्वेश्चन आया था। कल जब मैंने मैराथन ली थी, मैंने चिल्ला चिल्ला के बच्चों को बोला था, भाई क्वांटिटी डिस्काउंट कर जाओ, आएगा 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 आएगा। और ये देख लो, हमारी बुक का सिमिलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ईओक्यू निकालो, आपके पास क्वांटिटी डिस्काउंट एक्सेप्ट करे या ना करे वो निकाल के दिखाओ। ये क्वेश्चन आया कहां से? MTP नवंबर 20 में से। मेरा खुद का कोई बनाया हुआ नहीं है, ICAI के क्वेश्चन बैंक में से आ रखा है। डन, बहुत इजी पेपर था, आपने जरूर बनाया होगा। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट की, गाइस एक बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में नहीं डाला था आप लोगों के, कि भाई फिजिकल क्वांटिटी कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इसका एक ही क्वेश्चन टाइप का दिया हुआ है, आएगा तो यही उठ के आ जाएगा, और डिक्टो का डिक्टो यही क्वेश्चन उठ के आप लोगों के पास आ गया, सेम टू सेम। हां जी अमित भाई, ये भी क्वेश्चन ईजी था। नेक्स्ट, सी पार्ट में आपके पास एक्चुअल आवर्स वर्क, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्टिविटी रेशियो, स्टैंडर्ड कैपेसिटी। बहुत लोग बोलेंगे भाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, अरे ना बाबा, बजट में, बजेटरी कंट्रोल में जो ये रेशियोज हैं, ऐसे सिंपल सिमिलर क्वेश्चन था हमारे पास, एफिशिएंसी, एक्टिविटी, कैपेसिटी, कैलेंडर, ये निकालने का बजट चैप्टर में, हाँ जी मतलब हमारे पास था, और वहां पे ये क्वेश्चन आया। एंड आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। जी अमित भाई, अटेम्प्ट किया था। तो मतलब पहला 14 मार्क्स का पेपर तो पूरा का पूरा अमित भाई आपके में से पढ़ाए हुए में से आया। मेरे क्या, ICAI ने अपने पुराने अटेम्प्ट में से पूछा, मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था और वहां से उठ के आया। चलो मैं 14 में से नहीं भी नहीं तो आपके मान लेता हूं 11 से 12 नंबर इसमें आ जाएंगे, कुछ गलतियां नंबर कट सकते हैं, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करूं, गाइस क्वेश्चन नंबर 2, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर विजिट, रेगुलर विजिट, एक्सपेडिटेड डिलीवरीज। मैंने हमेशा बोला था ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, कुछ नहीं करना, क्या करना, फाइंड करो भैया पहले आपकी एक्टिविटी कौन सी है, उसका कॉस्ट का पूल कौन सा है, उसकी अमाउंट निकालो, आपके कॉस्ट ड्राइवर पता करो, रेट निकालो और डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाओ। और गाइस अगर आप लोग देखना चाहो तो ये देख लो, सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा, ऑर्डर टेकिंग, कस्टमर विजिट, डिलीवरी, एक्सपेडिटेड डिलीवरीज, और यहाँ पे बाइफरकेट करना, डिक्टो क्वेश्चन आप लोगों के पास आया, हाँ जी अमित भाई। तो मतलब बाबा, इतना खुश ना मैं ये बताते हुए हो रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अब देखो गाइस, सुनो सुनो सुनो, कोई मेरे को इसके लिए थैंक यू नहीं बोलेगा, मैंने पहले ही बता दिया था भाई क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट में से ही उठ के आने वाला है। पिछली बार आप लोगों का हॉस्पिटल या होटल में से आ चुका था, इस बार ट्रांसपोर्ट से आएगा, और ट्रांसपोर्ट से इजी वाला क्वेश्चन आया है। एयरलाइंस का क्वेश्चन हमेशा एक ईजी क्वेश्चन माना जाता है, टफ क्वेश्चन नहीं माना जाता। ये देखो, अपने पास सारी डिटेल्स गिवन थी, आपको निकाल के आना था क्या, ऑपरेटिंग इनकम। अरे मैं अपने क्वेश्चन बैंक से क्यों पढ़ रहा हूँ, कैलकुलेट द नेट ऑपरेटिंग इनकम, क्या फायदा, दोनों में तो सेम चीजें दे रखी है। हाँ जी अमित भाई, ये देखो, ऑक्यूपेंसी विल इंक्रीज टू 144, और उसके बाद यहाँ पे भी दे रखा है कि सर अगर आपने वन वे फेयर इतना कर दिया, कमीशन इतना कर दिया, तो क्या क्या चीजें होने वाली है। डन, अपन ने पढ़ रखा था अमित भाई, अपन ने करके आया, बहुत बढ़िया। वापस से ये क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का, चलो मैं मानता हूं आपने गड़बड़ी करी, और 11 से 12 नंबर आपके इसमें भी आ रहे होंगे। नेक्स्ट सर, थर्ड का ए,
ये बेसिक क्वेश्चन मार्जिनल से आया था कि सर अगर आपका 70% से 90% बढ़ जाए तो क्या हो सकता है। सर 70% पे इतना रॉ मटेरियल, इतना सेलिंग प्राइस, 90 पे इतना इतना। आपको बस हर एक टाइम पे क्या निकालना था, अपनी फैक्ट्री कॉस्ट निकाल के आनी थी। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, आपका सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे भी बन सकता था, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बी की बात करूं, बोलता है सर फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर अब्सॉर्ब्ड, ओवर अब्सॉर्ब्ड, ये वो, इनकम टैक्स क्या करना है, रिकॉन्सिलिएशन बनाओ, एंट्री डालो। गाइस ये हमारी बुक का क्वेश्चन, और क्या मैंने कल ही आप लोगों को प्यारे तरीके से नहीं बोल दिया था कि भाई सुन लो अगर इस चैप्टर से कुछ आएगा तो आपको रिकॉन्सिलिएशन आएगा, क्योंकि आपके पास एंट्रीज आने के चांसेस जो हमारे पास जनरल नॉन इंटीग्रेटेड करनी होती है वो नहीं होता, रिकॉन्सिलिएशन आएगा। ये लो भैया सेम क्वेश्चन आपके पास उठ के आ गया, हां जी अहमद भाई उठ के सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, डन डन। चलो इसमें मैं मानता हूं क्योंकि ईजी आया था, 13 से आपने 12 से 14 के बीच में आपने स्कोर किया होगा। जी अहमद भाई नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं, बोलता है मतलब भाई प्रोसेस पी प्रोसेस सी है, ठीक है क्यू है, कुछ नहीं यहां पे वो क्या करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा यूनिट ट्रांसफर किया, थोड़ा सा सेल किया। मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारे तरीके से करवाया था, तब जब आप थोड़ा सा प्रोसेस आउटपुट में देते हो बाकी आप बेच देते हो, हां जी अमित भाई ये अपन ने करवा रखा था, तो ये क्वेश्चन भी हमारी क्वेश्चन बैंक से उठ के आया। जी अमित भाई उठ के तो आया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अमित भाई फोर का बी, इसमें आपको क्या बोलता है, बोलता है सर सुनो ना एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड ये और वो, अंडर अब्सॉर्ब्ड ओवर अब्सॉर्ब्ड, जितने भी लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था कल हमने बोला यार दादाजी वाला कंसेप्ट पकड़ो और उसके बाद आपका अपना कंसेप्ट पकड़ो, दादाजी हैं आपके कौन से अब्सॉर्ब्शन कॉस्टिंग वाले और उसके बेसिस पे आपको अंडर ओवर अब्सॉर्ब्ड निकालना था, कल हमने सीखा था, मैंने स्टूडेंट्स को बताया भी था ये वाला क्वेश्चन, देख लो बाबा 46 हमारी बुक से, आईसीआई मैथ से, मेरी बुक से क्या, आईसीआई मैथ से उठ के आया हुआ है, मैंने तो अपनी बुक में डाल रखा था। अमित भाई इतनी रंगीन है क्या आपकी किताब, इतनी रंगीन है हमारी किताब बाबा, मैं काली पीली किताब नहीं बनाया करता। डन फिफ्थ का ए भाई, टर्नओवर, टर्नओवर के बेसिस पे आपका कितना नुकसान हो जाएगा आपको वो निकालना था, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर। लो भैया क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवा रखा था, अमित भाई दिया तो था, मतलब इतना इजी क्वेश्चन आप लोगों के पास आया उठ के, पूरा बुक बुक से उठ के आया। जिसने भी मेरी क्वेश्चन बैंक रेफर करी होगी आज तो मुझे थैंक यू बोल रहा होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन गाइस, मैंने बोला था जब दो ईयर का सेल गिवन हो, दो ईयर का प्रॉफिट गिवन हो, तो अपने पास अपन डेटा निकाल सकते हैं। देखो अभी शर्माना मत, घबराना मत, ये देखो भैया अगल बगल में सारे सेम क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। जी अमित भाई ये तो बिल्कुल इजी था, बस बाबा सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके पास उठ के आए। अब अगर मैं थ्योरी की बात कर लूं आपसे, देखना फीडबैक कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, क्या मैंने नहीं बोला था बजटरी कंट्रोल से थ्योरी आने के चांसेस है, आ गया बाबा चार नंबर की थ्योरी। अब देखो कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, अरे बाबा मैंने पहले ही चैप्टर में बता रखा था अमित भाई अगर परमानेंट बेसिस पे करना है तो कॉस्ट रिडक्शन, टेम्पररी पे करना है तो कॉस्ट कंट्रोल। वेस्ट और स्क्रैप के बीच में क्या डिफरेंस होता है, डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल स्क्रैप इन कॉस्ट अकाउंट्स। उसके बाद यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग से क्वेश्चन आया। डन गाइस, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन आप लोगों का इजी पीजी क्वेश्चन था, पर अगर मैं एमसीक्यू को जोड़ दूं तो हल्का सा एवरेज क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, पर टफ तो इसको बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अमित भाई अब आ जाते हैं अपन अगले वाले पॉइंट्स पे, तो क्या इसका मतलब है कि अगला एफएमएसएम या ऑडिट टफ आने वाला है? बिलीव मी गाइस ग्रुप टू शायद इस बार आईसीआई टफ ना दे, क्योंकि आईसीआई दिल से चाहती है ना कि सब लोग फटाफट से ग्रुप टू से निकल के सब लोग अब मेरे पास नए फ्रेश स्कीम वाले बंदे हों, तो आईसीआई की ये दिल्ली तमन्ना है कि भाई कोई अटका ना रहे, सब लोग फ्रेश स्कीम में, नए स्कीम में बंदे रजिस्टर्ड हो, तो जिनका ग्रुप टू अटका हुआ है इस बार शायद आसान पेपर आए और आईसीआई आपको निकाल दे। अब गाइज स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों की एफएमएसएम की, क्योंकि अमित भाई एफएमएसएम अगला तो ऑडिट का पेपर है ना, अरे बाबा ऑडिट के लिए 3-4 दिनों की छुट्टी है, 4 दिन की, आज 11 है, आपका पेपर 15 को है, 12, 13, 14 आज की रात और 15 की सुबह, 4 दिन की छुट्टी है, तो क्या ऑडिट ही पढ़ते रहोगे क्या, दिमाग खराब है? नहीं, ऐसा नहीं करना, मेरी बात सुनो। बहुत लोग आपको ये ज्ञान देंगे आज एसएम खत्म कर लेना, आज एसएम, अरे पागल हो क्या, थ्योरी के साथ कभी भी थ्योरी का पेपर उठाया ही नहीं जाता, मैच ही नहीं बनता, दही के साथ कभी चाय पी है क्या आपने, क्या बात कर रहे हो, कुछ भी सेम मैच कभी भी नहीं करता, मेरी बात सुनो। आज क्या करना है आपने, बहुत प्यारे तरीके से आज आप खुश भी हो क्योंकि आपका पेपर अच्छा गया है,
एफएम का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स वाला चैप्टर उठा लो, कैपिटल बजटिंग या फिर वर्किंग कैपिटल, जो आप कभी भी नॉर्मली ऐसे नहीं पढ़ते, नॉर्मली ठंडे दिमाग से नहीं पढ़ सकते थे। आज आपका पेपर अच्छा गया, आप खुश हो। कैपिटल बजटिंग या वर्किंग कैपिटल, कोई एक बड़ा चैप्टर इनमें से आज उठाओ और उसको खत्म करके रख दो। गाइस बिलीव मी, बहुत खुश रहोगे, मान लो मेरी बात को। छोटे चैप्टर नहीं, बड़े चैप्टर को उठाओ, खत्म कर दो, क्योंकि इतना ठंडा और कूल दिमाग का आपका कभी भी नहीं होने वाला है। तो आज रात कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल आपको करनी है। अब ये हो गया आपका 11th का प्लान। अब अगर मैं बात करूं आपके 12th के प्लान की, 12th, 13th, 14th और 15th की सुबह भी, आप अपना जैसे ऑडिट पढ़ रहे हो ऑडिट पढ़ते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन रात के 3-3 घंटे मुझे आप लोगों के चाहिए। रात के 3-3 घंटे, 12 के, 13 के और 14 के, 3-3 घंटे मुझे आप लोगों के चाहिए। अगर 14 को 2 घंटे भी दे पाओ तो चलेगा, लेकिन ये टाइमिंग मुझे आप लोगों से चाहिए। ये चाहिए मुझे 12th को, ये चाहिए मुझे आप लोगों से 13th को, और ये चाहिए मुझे आप लोगों से 14th को। अमित भाई करेंगे क्या? आपने एक बड़ा चैप्टर निपटा दिया कैपिटल बजटिंग का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आप क्या करोगे, कल कल जब 3 घंटे का टाइम होगा, फटाफट से रेशियो एंड लिवरेज दोनों निपटा के खत्म कर दो। बहुत इजी चैप्टर्स है, खाली फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। मैं आपके लिए एक फॉर्मूला वीडियो भी लेके आ जाऊंगा, मंडे को एक फॉर्मूला वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें सारे फॉर्मूला आपके कवर करवा दूंगा। तो बाई गाइज आपको क्या करना है, रेशियो और लिवरेज वाला चैप्टर फटाफट से खत्म कर लेना है कल। तो अभी तक क्या हुआ आपका, कैपिटल बजटिंग खत्म, कैपिटल बजटिंग पानी में गया छपाक, या उसमें से वर्किंग कैपिटल, दोनों में से जो करना चाहो। अगर आपने कैपिटल बजटिंग नहीं पढ़ रखा तो वर्किंग कैपिटल, पानी में गया छपाक, रेशियो और लिवरेज पानी में गया छपाक। बहुत बढ़िया, 3 चैप्टर्स आपके हो गए। अब देखो अगले दिन जो 3 घंटे का टाइम है, इसमें आपको खत्म करना है एक ही चैप्टर, कौन सा, थर्ड, कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, बस दैट्स इट। कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी दोनों एक ही चैप्टर का पार्ट है, ये आपको खत्म करके रख लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 चैप्टर हो गए आपके छपाक। अब लास्ट 14th की अगर मैं बात कर लूं, 14th को ज्यादा कुछ हैवी नहीं करना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। क्या करेंगे अपन 14th को, आप लोग को एक चैप्टर बस निपटाना है, कौन सा, डिविडेंड डिसीजन वाला, और इनमें से अगर कोई बच रखा है आपका तो उसको खत्म करना है। तो कौन कौन सा हो गया आपका, कैपिटल बजटिंग डन, उसके बाद रेशियो एनालिसिस डन, लिवरेज आपका डन, कैपिटल स्ट्रक्चर डन, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी डन, उसके बाद डिविडेंड आपका डन। कितने चैप्टर्स कर दिए आपने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बचा क्या आपके पास, वर्किंग कैपिटल बच गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बच गया, डेटर्स आपका बच गया, और एक कौन सा चैप्टर बच रहा है मुझे याद नहीं आ रहा, रेशियो लिवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर, कैश मैनेजमेंट। भैया मैं तो बोलूंगा कैश मैनेजमेंट को भी अगर डिविडेंड के साथ निपटा पाओ तो ठीक है, वरना जब आप अपना पेपर ऑडिट का दे के आ रहे होंगे, आपके पास बस 3 चैप्टर ये बचेंगे और आपका एसएम का पोर्शन बच जाएगा। ऑडिट के साथ एसएम पढ़ने की गलती मत करना, मिक्स कर जाओगे, कंफ्यूज कर जाओगे। डन क्या? हाँ जी अमित भाई। तो गाइज अभी 3 दिन आपका ये स्ट्रैटेजी रहने वाली है, आपको ऑडिट के साथ इतना खत्म करना ही करना पड़ेगा। ओके अमित भाई, फिर जैसे ही आप उस दिन अपना ऑडिट का पेपर दे के आ जाओगे, आप ऑडिट का पेपर देके जिस दिन आओगे रात में, आपको कुछ नहीं करना, वर्किंग कैपिटल खत्म कर लो अपना, पूरा वर्किंग कैपिटल खत्म कर लो, और साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल खत्म करने के साथ ही साथ, अगर मन करे कैश मैनेजमेंट अगर तुमने छोड़ रखा है तो कैश मैनेजमेंट खत्म कर देना अपना उस रात को, खत्म, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 15th की रात को हो जाएगा। 16th को आपको कुछ नहीं करना, आप एसएम पढ़ना सुबह में चालू करो, सुबह एसएम पढ़ना चालू करो, 5 चैप्टर खत्म करो, और शाम के 6 बजे तक 5ों चैप्टर खत्म कर लो। उसके बाद आपको शाम में करना है बस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और अगली सुबह पूरा रिवाइज करके चला जाना है एफएम, कोई टेंशन का काम नहीं है। ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लो गाइज, बिलीव मी, तुम अगर अटक गए नाम बदल देना मेरा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं, 15th को मैं मैराथन लेके आने वाला हूं, जिसमें सुपर 30 क्वेश्चंस एफएम के करवाऊंगा।
अगर आपको एसएम आती है, आपने एफएम अच्छे से पढ़ रखी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरे साथ साथ बस बैठ जाना बगल में यूट्यूब खोल के। और 16th को मैं फुल डे लाइव रहने वाला हूँ, जिसमें आपकी जो भी डाउट होगी आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो। हाँ जी अमित भाई, अपन पूछ सकते हैं, तो टेंशन मत लो गाइज, आपका अमित भाई आपके साथ है। जैसे कॉस्टिंग मक्खन से करवाई है ना, FMSM की भी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं करवा के देने वाला हूं। टेंशन नहीं लोगे, नहीं लेंगे। ग्रुप टू का पेपर इजी आएगा, आप सब लोग इस बार अच्छे से पास करने वाले हो। और जैसे ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में से आया है, आप हमारा टेलीग्राम चेक कर लो, ये रहा हमारा टेलीग्राम, हाँ ये रहा हमारा टेलीग्राम, हमने सब कुछ डाल रखा है इसमें, आप देखना चाहो अगर, कैंसिल करो इसको। हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, लाइव मैराथन, FM क्वेश्चन बैंक, सब कुछ कलरफुल तरीके से आपके लिए डला हुआ है। तो कहाँ पे देखना चाहोगे अगर आपको देखना है? सब जानते हो, मैं वापस से बता दूं, हमारे चैनल का नाम है, ये बड़ा होगा क्या? नहीं होगा, चैनल का नाम है फास्ट कॉस्ट FM बाय AB। तो गाइस फटाफट से इस चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही पावर पैक रिविजन के साथ। डन डन। अगर आपको कभी डाउट भी लगे ना, तो गाइस एक चीज याद रखना, मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का मेन क्लास का लेक्चर भी अपलोड करके दे रखा है आप लोगों को। अगर डाउट लगे इस चैप्टर में, बहुत लोगों को लगती है, तो कवर कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर कुछ लगे जो मैं आपके लिए कर सकूं, मुझे बता देना, मैं आपके लिए कर दूंगा। कैपिटल बजटिंग में जो आप कैपिटल गेन टैक्स वाले क्वेश्चन पे फंसते थे, वो भी सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए अपलोड कर रखे, वो भी यूट्यूब पे देख सकते हो बहुत प्यारे तरीके से। जो भी लगेगा कॉस्ट FMSM की टेंशन ना लेना, आपके अमित भाई आपके साथ है ना। ओके गाइस, चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, टेंशन नहीं लेनी, अच्छे से पढ़ना है। ये पेपर अच्छा गया, दो पेपर और बचे हैं, मक्खन तरीके से निकाल के फुल टू ऐश करने वाले हैं। बाय बाय।